आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लाई हूँ जिसे हमें एयर फ्रायर करना है। आज मैं आप लोगों के साथ करेले की भुजिया का रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये आप स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं। इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ करेला और प्याज। करेला को हम मोटा मोटा काट लेंगे और प्याज को भी हम मोटा मोटा काट लेंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा मसाला डाल के हम करेले के भुजिया बनाएंगे। करेले को इस तरह से देखिए मोटा मोटा काटना है और प्याज को भी मोटा मोटा काटना है। प्याज को पतला बिल्कुल नहीं काटना है। पतला अगर काटेंगे प्याज को, पतला पतला स्लाइस करेंगे तो वो जल जाएगा, तो इसीलिए हमें थोड़ा मोटा मोटा ही प्याज को काटना है। देखिए हमारा प्याज अभी इस तरह से मोटा मोटा कट रहा है। उसके बाद हम इसको कुछ मसाले और ऑयल के साथ मैरिनेट करेंगे। तो इसके लिए एक हम बोल ले लिए बड़ा सा, उसमें हम करेले और प्याज को डाल देंगे। और इसमें अभी हम कुछ मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम इसे स्वाद अनुसार इसमें हल्दी डालेंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे और 5 फोड़न डाल देंगे। 5 फोड़न में 5 तरह का मसाला होता है। और अमचूर पाउडर डालेंगे। अमचूर पाउडर से हमारा भुजिया बहुत ही खट्टा और टैंगी बनेगा। और ये हम स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल दिए हैं। दोस्तों नमक डाल के हमें ज़्यादा देर नहीं रखना है। और इसमें हम 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल दिए हैं ताकि हमारा जब हम इसको एयर फ्राई करेंगे तो हमारा भुजिया ड्राई ना हो जाए। और इसमें हम स्वाद अनुसार, हम जितना तीखा खाते हैं उसी हिसाब से हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सभी वेजिटेबल्स के ऊपर अच्छे से मसाला और ऑयल का कोटिंग हो जाए। और देखिए हमारा ये एयर फ्रायर का बास्केट है, इसमें हम मैरिनेट किया हुआ करेला और प्याज को डाल दिए हैं और अच्छी तरह से चारों तरफ फैला दिए हैं ताकि हमारा ये करेले के भुजिया अच्छी तरह से पक जाए। ये हमारा फिलिप्स का एयर फ्रायर है। इस तरह से हम बास्केट को इंसर्ट कर दिए हैं और 15 मिनट्स में हमारा ये करेला का भुजिया बन के रेडी हो जाएगा। तो अभी हम 10 मिनट के लिए टाइम सेट कर दिए हैं और देखिए 10 मिनट पूरा हो गया। अभी हम बास्केट को निकाल दिए हैं और इस तरह से स्टार करके और बास्केट को थोड़ा शेक करके ताकि हमारा जो भी वेजिटेबल्स है ऊपर नीचे अच्छी तरह से पक जाए। तो अभी हम इसको इंसर्ट कर दिए हैं और 5 मिनट के लिए सेट किए थे। अभी 15 मिनट्स पूरा हो गया है और देखिए हमारा बेहतरीन, देखने में बहुत ही अच्छा क्रंची मज़ेदार करेले का भुजिया रेडी हो गया है खाने के लिए। इसे हम स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं। तो देखिए अभी हम प्लेट में डाल दिए हैं और इसे आप कोई भी चटनी और सॉस के साथ खा सकते हैं। बहुत ही खाने में टेस्टी बना है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।